हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने पीएफ पोर्टल पर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। जो भी नया प्रोसेस, जो भी चेंजेस हुए हैं 2024 के बाद, वो सब भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। दोस्तों, नॉमिनी आपको पीएफ पोर्टल में जरूर ऐड करना है और याद से ऐड करना है। कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट इनकेस हो जाता है तो पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, ईडीएलआई का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, वो भी बहुत ही आसानी से। फिलहाल इस वीडियो में हमें ई नॉमिनेशन करना है तो सबसे पहले हम epfindia.gov.in इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। नया पेज ओपन हो गया है लॉगिन के लिए। राइट साइड में लॉगिन का डिटेल हमें फीड करना है, यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड, और उसके बाद नीचे साइन इन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया है, उस ओटीपी को हम यहाँ इंटर करेंगे और नीचे कैप्चा कोड इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लॉगिन करते इस तरीके से डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अलर्ट मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, ये ई नॉमिनेशन का ही मैसेज है, ठीक है। और इस वीडियो में ई नॉमिनेशन ही हम ऐड करने वाले हैं, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं। अब इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। नॉमिनेशन ऐड करने से पहले आपको अपना प्रोफाइल डिटेल चेक कर लेना है। व्यू में जाना है और यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। प्रोफाइल डिटेल में आते ही आपको देखना है कि आपका फोटो अपलोड है या नहीं और एड्रेस अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट है तब तो आप इस वीडियो को 1-1.5 मिनट से आगे बढ़ा दीजिए, और अगर नहीं अपडेट है तो पहले अपडेट कर लो। हमारे केस में नहीं है तो सबसे पहले हम फोटो अपडेट करेंगे। चेंज फोटो का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करिए। अब इस तरीके से अपलोड फोटोग्राफ का पेज आ जाता है। ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आपको ब्राउज का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करिए। फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपने फोटो सेव किया होगा, अपलोड कर लीजिए। हमने फोटो यहाँ पर अपलोड कर लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप टेम्पलेट ऑन ऑफ भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, और प्रीव्यू कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा फोटो, ठीक है। प्रीव्यू करने पर आपको इस तरीके से राइट साइड में फोटो दिखाई दे जाएगा। अगर फोटो आपका बिल्कुल सही है तो नीचे अपलोड फोटोग्राफ का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब पॉपअप आ गया है कि क्या आप श्योर इस फोटो को अपलोड करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो प्रोफाइल में हमारा फोटो अपलोड हो गया है, फोटो तो हमने अपलोड कर दिया। अब राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस भी है, इसको भी हमें अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए देखिए राइट साइड में एक पेंसिल का साइन दिखाई दे रहा है, इस साइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर परमानेंट और करंट दोनों एड्रेस आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस हमने इंटर कर दिया हुआ है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कर दो तो जो भी आपने परमानेंट एड्रेस में इंटर किया हुआ था सेम टू सेम करंट एड्रेस में भी आ जाएगा। बट अगर अलग अलग है तब आप अलग अलग भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो। एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे देखिए सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। एड्रेस जो है सक्सेसफुली सेव हो गया है, ठीक है। अब फिर से प्रोफाइल में जाइए। अब आप देख सकते हो आपका फोटो भी अपलोड हो गया है और साथ ही साथ आपका जो परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस वो भी अपडेट हो गया है। अब आप नॉमिनेशन कर सकते हो, आपको कोई भी एरर प्रोफाइल का नहीं आएगा। अभी नॉमिनेशन करने के लिए हमें जाना है मैनेज में और यहाँ पर ई नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आपको प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देता है, सबसे ऊपर लिखा गया है कि प्रोफाइल डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फैमिली डिक्लेरेशन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हैविंग फैमिली मतलब आपके पास फैमिली है, फैमिली नहीं किसी फ्रेंड वगैरह को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो नो करना है, ठीक है। बट इन केस अगर हमारी फैमिली है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता है, तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही फैमिली मेंबर जिसको हम नॉमिनी भी बनाना चाहते हैं उसका पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। हमारे केस में जो मेंबर है उसकी वाइफ को ऐड करना है तो वाइफ का आधार नंबर हम इंटर करेंगे, उसके बाद वाइफ का नाम इंटर करेंगे, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ जो कि आधार कार्ड के हिसाब से होगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर यहां पर सेलेक्ट करेंगे और फिर रिलेशन, उसके बाद एड्रेस हम यहां पर इंटर करेंगे। एड्रेस अगर सेम है जैसे कि हस्बैंड वाइफ है तो एड्रेस सेम है तो सेम एज मेंबर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी बच्चे को नॉमिनी बना रहे हो तो गार्जियन भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। और आखिरी में जो नॉमिनी है उसका फोटो हमें अपलोड करना होता है, तो जल्दी जल्दी सारा डिटेल हम भर देते हैं। अब सारा डिटेल हमने सही तरीके से भर दिया हुआ है, आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए देखिए नीचे यहां पर क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करिए। नया एक पेज आ जाता है, जैसे प्रोफाइल फोटो हमने अपलोड किया हुआ था उसी
इसी तरीके से ये वाला फोटो भी अपलोड करना है। ब्राउज का यहाँ पर बटन है, क्लिक करिए, जहाँ पर भी फोटो आपने सेव किया होगा इम्पोर्ट कर लीजिए। अब नीचे यहाँ पर भी देखिए टेम्पलेट ऑन ऑफ और प्रीव्यू का बटन है, इम्पोर्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है और फोटो इस तरीके से दिखाई देगा आपके फॉर्म पर, ठीक है। यही फोटो अगर आपको चाहिए तो अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक किया यहाँ पर कंफर्मेशन हमसे मांग रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया है कि सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली फोटो अपलोड हो गया और दिखाई दे रहा है। नॉमिनी का सारा डिटेल हमने यहाँ पर फीड कर दिया हुआ है। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो आप रो और एड भी कर सकते हो। नीचे देखिए यहाँ पर एड रो का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे सेम इसी तरीके से एक और रो एड हो जाएगा और सेम जैसे अभी हमने इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है वैसे ही आपको फिर से इन्फॉर्मेशन भरना है सेकेंड नॉमिनी का। अब आपके केस में एक नॉमिनी हो या दो नॉमिनी आप एड कर दो। एड करने के बाद अब नीचे देखिए कंसेंट दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पर चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर सेव फैमिली डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करिए। सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो हमें कंफर्मेशन आ गया है कि फैमिली डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ईपीएफ नॉमिनेशन का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जो डिटेल हमने सेव किया हुआ था वही यहाँ पर रो एड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चेक बॉक्स है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब सेलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पर आप टोटल अमाउंट ऑफ शेयर इंटर कर सकते हो, मतलब आपका जो भी फंड होगा, जो भी पीएफ होगा, पेंशन, आप इस नॉमिनी को कितना देना चाहते हो। अगर आपने एक से ज्यादा नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है तो आप 50-50 भी कर सकते हो, जो भी परसेंटेज आप देना चाहते हो दे दीजिए, हमारे केस में 100% है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ शेयर हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे सेव ईपीएफ नॉमिनेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब फिर से देख सकते हो ईपीएफ डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का हमें मैसेज आ गया है। अब ऊपर देखिए पेंडिंग नॉमिनेशन का हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे एक रो ऐड हो गया है। अभी जो इंट्री हमने किया वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंट्री में हमने क्या किया हुआ है, व्यू यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट का साइन है, इस पर क्लिक करोगे तो दिखाई दे जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ आपसे रॉन्ग हो गया है तो एडिट पर क्लिक करके आप दोबारा एडिट भी कर सकते हो। अगर पूरा ही रॉन्ग हो गया है तो आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, जो डिटेल आपने सेव किया हुआ था उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन अगर पूरी तरीके से सही है आपका डिटेल जो आपने भरा हुआ था तो आप ऑथेंटिकेशन मतलब वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ो। यहाँ पर ई साइन का ऑप्शन है, नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन का साइन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन के लिए पेज आ गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि चेकबॉक्स पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप कंसेंट देते हो ई केवाईसी के लिए, जहाँ पर आपका आधार डेटा यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम चेकबॉक्स पर क्लिक करके कंसेंट दे देते हैं। अब एक नया पेज आ गया है ई साइन का, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी और यूआईडी टोकन का। तो सबसे इजी आधार नंबर के जरिए ही आप ई साइन कर सकते हो। आधार नंबर आप सेलेक्ट करो, उसके बाद नीचे यहाँ पर आधार नंबर आप इंटर करो। बहुत बड़ा सवाल आता है कि किसका आधार नंबर हमें यहाँ पर इंटर करना है, तो यहाँ पर आपको मेंबर का आधार नंबर इंटर करना है, क्योंकि पीएफ मेंबर अपना नॉमिनी अपॉइंट कर रहा है तो ऑथेंटिकेशन वही देगा, ठीक है। वाइफ का यहाँ पर नहीं इंटर करना है या जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसका नहीं इंटर करना है। यहाँ पर हमने आधार नंबर इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे देखिए यहाँ पर आधार ओटीपी का एक ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे गेट ओटीपी का ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गया है। अब जो हमारा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को हमें इस बॉक्स में इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे कंसेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और रिक्वेस्ट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ साइन सक्सेसफुली इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एरर है पोर्टल की तरफ से। अब यहाँ पर कुछ ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी डॉट पर आप क्लिक करोगे तो नॉमिनेशन के होम पेज पर आ जाओगे। और इन केस अगर ग्रीन डॉट्स काम नहीं करते हैं तो ऊपर मेन्यू में आपको मैनेज में जाना है, यहाँ पर ई नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तब भी आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद जब इस तरीके से पेज आ जाता है, यहाँ पर स्टेटस आप देखोगे तो नॉमिनेशन सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। उसके अलावा नॉमिनेशन डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, डिटेल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक साइन है, इस पर क्लिक करिए, एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से पूरा डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। इस पीडीएफ फाइल में सबसे ऊपर पीएफ मेंबर का डिटेल दिया गया होता है, उसके बाद पार्ट ए ईपीएफ होता है, जहां पर नीचे नॉमिनी का डिटेल दिया गया होता है
और उसके बाद सेकेंड पेज पर पार्ट बी ईपीएस है पेंशन का, यहाँ पर भी नॉमिनी का डिटेल दिया गया होता है। इस पर किसी साइन और स्टैम्प की जरूरत नहीं है, यह कंप्यूटर जनरेटेड है। अब इस पीडीएफ फाइल का आप एक प्रिंट आउट निकालो और जिसको नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है उसको दे दो। तो दोस्तों इस तरीके से आप ई नॉमिनेशन मतलब नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो अपने पीएफ पोर्टल पर। बहुत ही आसान प्रोसेस था, फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई इरर आ रहा है आपको, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।